नमस्कार दोस्तों, मैं यादव फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजे एकेडमिक्स पर। हमारा जो लीनियर एल्जेब्रा के टॉपिक हम यहां पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसके हमारे चार लेक्चर हो चुके हैं। फर्स्ट और जो सेकेंड लेक्चर था अपना, उसमें हमने की थी थ्योरी, ठीक है, और थर्ड और फोर्थ में हमने किए इसके क्वेश्चंस। तो अगर अभी तक वो क्वेश्चंस या थ्योरी वाले जो वीडियोज़ हैं वो नहीं देखे आपने, तो वो ज़रूर देखने हैं अपने को, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। वहाँ से अपने पास हमेशा जो है एक दो क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में, चाहे नेट हो, चाहे गेट हो, या फिर अपने पास जैम का क्वेश्चन हो, वहाँ पे अपने को मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी में लीनियर अलजेब्रा में आगे अपने पास थोड़ा सा टॉपिक आता है मैट्रिक्स का, यहाँ पर, ठीक है। मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, किस किस टाइप की मैट्रिक्स होती हैं, फिर उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और फिर उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं या फिर आने आ सकते हैं इस टाइप के, कुछ थोड़े से अलग अलग टाइप के हम क्वेश्चन यहाँ पे जो है सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसमें जो है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के दो टाइप से अपन इसको करते हैं, एक तो ऑपरेशन बेस्ड पे इसको क्या क्लासिफाई करते हैं, और दूसरा एलिमेंट बेस्ड, ठीक है, नाम से पता चल रहा है। इसमें जो है हम एलिमेंट के अकॉर्डिंग जो मैट्रिक्स को क्या करते हैं, हम डिस्टिंग्विश करते हैं या फिर अलग अलग पहचानते हैं कि कैसी जो है मैट्रिक्स ये होगी, उस टाइप से, ठीक है। तो इसमें अपने पास कुछ मैट्रिक्स हैं, जैसे एक तो है अपने पास पहले जीरो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स वगैरह तो आप जानते होंगे अच्छे से, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स क्या रहेगी, कुछ ए इक्वल्स टू ए आई जे, एलिमेंट्स के लिए इस टाइप से हम डिनोट करते हैं, एन क्रॉस एन, ठीक है, यहाँ पे एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स हो जाएगी। और ए आई जे जो एंट्रीज होंगी वो क्या होंगी, जीरो फॉर ऑल आई एंड जे, ठीक है, सभी आई और जे के लिए ये सारी की सारी एंट्री मतलब क्या होंगी इसमें, जीरो। जैसे टू क्रॉस टू की अपने को जीरो मैट्रिक्स बनानी है तो इस टाइप से हो जाएगी कुछ, ठीक है, थ्री क्रॉस थ्री की बनानी है तो ऐसे हो जाएगी, एंड सो ऑन, ठीक है, इस टाइप से हम बना सकते हैं। इसी में जैसे आगे अपने पास होती है डायगोनल मैट्रिक्स हो जाती है, अपने पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और इसका जस्ट थोड़ा सा अपोजिट होती है अपने पास दूसरी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो क्या फर्क होता है इन दोनों में। इसमें क्या होता है कि अपने पास एक कोई मैट्रिक्स है ए आई जे एन क्रॉस एन, ठीक है, यहाँ पे अपने पास क्या होता है ए आई जे इक्वल्स टू जीरो, कब, जब आई ग्रेटर देन क्या हो अपने पास, जे हो, आई ग्रेटर देन जे हो। अब जैसे बनाना चाहूँगा मैट्रिक्स कुछ इस टाइप से होगी, ए वन वन, तो यहाँ पे ग्रेटर देन नहीं है तो अपने पास कोई यहाँ पे ए वन वन इस टाइप से रहेगा अपने पास, ए वन टू, वन टू, अब ये बड़ा है या छोटा है, ठीक है, तो ये आई इसको आई लेंगे, इसको जे लेंगे, तो ये अपने पास क्या है, छोटा है यहाँ पे, तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा ए वन टू एंड सो ऑन, ए वन थ्री, ए वन एन, ठीक है। ए टू वन के लिए जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आई क्या हो गया, ग्रेटर देन वन हो गया, आई क्या हो गया, ग्रेटर देन जे हो गया, तो उस केस में अपना एलिमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। फिर सिमिलरली ए टू टू, ए टू थ्री एंड सो ऑन, ए टू एन, यहाँ पे जीरो जीरो, ठीक है, ये एलिमेंट क्या आएगा, ए थ्री वन, ठीक है, ए थ्री टू, ये भी जीरो, ए थ्री थ्री, थ्री टू जीरो क्यों आएगा, आई जे से बड़ा है यहाँ पे, एंड सो ऑन। तो समझ गए होंगे आप, ये ऊपर, ठीक है, डायगनल और डायगनल से ऊपर अपने पास कुछ एलिमेंट्स होंगे, उससे नीचे की सारी एंट्री, डायगनल से नीचे की जो ये अपने पास प्रिंसिपल डायगनल होता है, उससे नीचे की ये जो सारी एंट्रीज अगर अपने पास क्या है, जीरो है, ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली अपने पास होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन, ठीक है, इसमें भी ए आई जे इक्वल्स टू, ये ए आई जे किसके लिए डिनोट कर रहे हैं हम, एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, तो ये क्या होंगे अपने पास, जीरो जब आई लेस देन क्या होगा, जीरो होगा, सॉरी आई लेस देन क्या होगा, जे होगा, किस टाइप की बनेंगे, इस टाइप से ए वन वन, ए वन टू, ठीक है, ए वन थ्री, ए वन फोर एंड ए वन एन। अब देखो यहाँ पे ये आई है, ये जे है, ठीक है, तो ये लेस देन है, यानी ये एंट्री अपने पास क्या हो जाएगी, जीरो, इधर वाली, ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा होगा टू वन, ए टू टू,
जीरो 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 एंड सो ऑन ए थ्री वन। तो यहाँ पे डायगोनल और डायगोनल से नीचे के एलिमेंट तो अपने पास नॉन जीरो एलिमेंट रहे। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं सारे नॉन जीरो हों, ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं, यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐसे जीरो आ सकता है, लेकिन इस डायगोनल से ऊपर के सारे एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर के ये जो सारे एलिमेंट है वो कैसे मिलेंगे अपने को, जीरो मिलेंगे। किस में? लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में, ठीक है। ये अपने पास थी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो एलिमेंट्स के हिसाब से जिस जिस मैट्रिक्स को हम पहचानते हैं उनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जीरो मैट्रिक्स सारे जीरो हैं, ठीक है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपने पास जैसे अब आ जाए डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, पेपर में आपके पास डायरेक्ट वहाँ पे लिखा हुआ आएगा डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, हर्मिशन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, तो आपको वहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, ए मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन सच दैट ए आई जे इक्वल्स टू डेल्टा आई जे, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे अपने पास एक यहाँ पे स्केलर यूज कर लेंगे अल्फा आई जे और डेल्टा आई जे, ठीक है। अब देखो कैसे, ए वन वन की जैसे मैं बात करूँगा तो ये तो लैम्डा वन हो जाएगा, आई की जगह वन यूज़ करेंगे, और ये जब इसकी क्या प्रॉपर्टी रहती है अपने पास, इसकी वैल्यू जीरो और वन आती है कब, जब आई नॉट इक्वल्स टू जे और आई इक्वल्स टू जे, ठीक है, यानी आई इक्वल्स टू जे पे तो इसकी वैल्यू क्या आती है, वन आती है, आई नॉट इक्वल्स टू जे पे इसकी वैल्यू जीरो आती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू, वन आएगी, तो लैम्डा वन हो जाएगा, ए वन टू, ठीक है, डिफरेंट है तो ये जीरो हो जाएगा, ए टू वन, टू टू कुछ भी ले लो, टू टू में क्या हो जाएगा, ये तो लैम्डा टू और ये वन हो जाएगा क्योंकि इक्वल है आई और जे, इस टाइप से। तो मैट्रिक्स कुछ इस टाइप की हो जाएगी, लैम्डा वन जीरो 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 एंड सो ऑन, जीरो लैम्डा टू जीरो जीरो जीरो, लैम्डा थ्री जीरो 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 एंड सो ऑन, ठीक है। इस टाइप की जो मैट्रिक्स होगी उसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें अपने पास क्या रहेंगे, सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट ही नॉन जीरो रहेंगे, बाकी जो भी एंट्री होगी वो क्या होगी अपने पास यहाँ पे, जीरो होगी, ठीक है, बाकी क्या होगी अपने पास, जीरो होगी। और इसी में एक आता है स्केलर मैट्रिक्स, वो भी इससे मिलता जुलता ही है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या रहता है, मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल्स टू लैम्डा डेल आई जे। अब यहाँ पे क्या फर्क हुआ, यहाँ पे फर्क आ गया, यहाँ पे लैम्डा है, यहाँ पे लैम्डा आई है, यानी कि अब एलिमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप ए वन टू ले रहे हो तो भी ये तो जीरो हो जाएगा वन टू पे, तो ठीक है, जैसे वन वन ले रहे हो उस केस में यहाँ पे सिर्फ लैम्डा आएगा, ये तो वन वन पे ये तो वन हो जाएगी वैल्यू इसकी, ये लैम्डा आएगा, ए टू टू इस पे भी लैम्डा, यानी कि मैट्रिक्स कुछ किस टाइप की बन जाएगी यहाँ पे, ये बन जाएगी अपने पास लैम्डा जीरो 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 लैम्डा जीरो जीरो इस टाइप से एंड सो ऑन। यानी कि जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा वो एक फिक्स नंबर होगा अपने पास यहाँ पे, ठीक है, एक ही नंबर, यहाँ पे सेम नहीं है लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री, यानी कुछ इस टाइप से यहाँ पे मैट्रिक्स हो सकती है माइनस थ्री जीरो 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 टू जीरो 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 फाइव जीरो जीरो इस टाइप से हो सकती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, सेम होगा, ये एंट्री क्या होंगी यहाँ पे, सेम होंगी, चाहे थ्री हो चाहे फोर हो चाहे फाइव माइनस फाइव कुछ भी हो, लेकिन एंट्री क्या होंगी, सेम होंगी, डायगोनल एंट्री सारी की सारी सेम होगी। किस केस में, स्केलर मैट्रिक्स में, ठीक है। अब आती है अपने पास दो मैट्रिक्स, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक, और उसके बाद है अपने पास हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सेकंड है अपने पास इसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। क्या फ़र्क है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या रहेगा, ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करें वापस अपने पास क्या जाए, ए मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है, यानी ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई इस टाइप से। इसमें क्या रहेगा, ए ट्रांसपोज करें और माइनस ऑफ ए अपने पास यहाँ पे आ जाए, या फिर ऐसे कहें कि ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई, ठीक है।
यहाँ पे देखो किस टाइप की मैट्रिक्स रहेंगी, ये एलिमेंट जहाँ है ये ऐसा ही एलिमेंट यहाँ पे आएगा टू, ठीक है, क्योंकि जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो सेम अपने पास जो है वही एलिमेंट बनना चाहिए इस टाइप की। इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे चाहे इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों? फर्स्ट रो क्या है अपने पास, 0 2 3, ठीक है, ट्रांसपोज करो इसको, फर्स्ट कॉलम लिख दो, सेकंड रो 0 2 सॉरी 2 5 -9, तो इसको सेकंड कॉलम 2 5 -9, 3 -9 6, ठीक है, हमने ट्रांसपोज किया और वापस अपने पास क्या आ गई, वही मैट्रिक्स आ गई। तो ए का ट्रांसपोज वापस क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है अपने पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमिलरली स्क्यू सॉरी ये तो होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी कि ए ट्रांसपोज करें और माइनस ऑफ ए आए अपने पास, ठीक है, ए ट्रांसपोज करें और माइनस ऑफ ए आए अपने पास। तो इसमें थोड़ा सा ये चीज़ और रहेगी, ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई अपने को दिया हुआ है, दोनों को आई आई ले लेते हैं, उस केस में क्या होगा, इधर ले आओ 2 AII = 0, AII = 0, इसका मतलब क्या हुआ कि डायगनल एंट्री, ये क्या रहती है अपने पास 1 1 2 2 3 3, ये क्या रहती है डायगनल एंट्रीज रहती हैं। तो जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी उसमें डायगनल एंट्रीज क्या होंगी, जीरो होंगी, ठीक है, इस टाइप से 2 -2 3 4 5 6 7, कुछ भी इसका इसका जस्ट क्या आ जाएगा अपने पास, साइन चेंज होके आ जाएगा, ठीक है, माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे 2 है यहाँ पे -2 है, जैसे आप रो चेंज करोगे तो सेम मैट्रिक्स तो नंबर तो सेम आएंगे, ठीक है, लेकिन अपने पास वहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन अपने पास साथ में आ जाएगा। जैसे इसी को चेंज कर लेते हैं हम, इसको माइनस कर देते हैं, इसको माइनस इसको प्लस, ठीक है, ये 0 और ये 0, ठीक है। अब देखो इस मैट्रिक्स का हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। इसका ट्रांसपोज कैसे होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखो 0 2 3, ठीक है, सेकंड रो -2 0 -9, थर्ड रो -3 9 0, ठीक है। अब देखो इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, बाहर बाहर माइनस कॉमन लूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये माइनस, सेम मैट्रिक्स है, ठीक है, यानी ये अगर ए थी तो ये क्या होगी, माइनस ऑफ ए। तो अगर ट्रांसपोज करने पर ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए अपने पास आ रहा है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे ही है अपने पास हर्मिशन मैट्रिक्स, उसमें वहाँ पे अपने पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं, ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स अपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के इक्वल आ रही है वहां पे ट्रांसपोज उसका, तो उसको हार्मिशन बोलेंगे, नहीं तो स्क्यू हार्मिशन। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास ए थीटा इक्वल्स टू, यानी उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के क्या आ रही हो अपने पास, इसमें इक्वल आ रही हो, ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई का बार, ठीक है, ये अपने पास यहाँ पे प्रॉपर्टी रहती है। स्क्यू आर मिशन में क्या रहता है, इसमें ये रहता है अपने पास, ठीक है, ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई का बार, ये यहाँ पे, ठीक है, इसको वापस से वही कर लेते हैं, आई आई माइनस ए आई आई, ठीक है। ये कब पॉसिबल है कि कोई एलिमेंट है और उसका अपन बार कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और उसको नेगेटिव साइन के वो इक्वल आ रहा है, तो ये कब इक्वल हो सकता है, या तो अपने पास क्या हो, प्योरली इमेजिनरी हो, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी हो, या फिर क्या हो अपने पास, जीरो हो, ठीक है, क्योंकि जीरो का आप माइनस करोगे वो प्लस कॉन्जुगेट करोगे तो वो तो सेम आएगा। दूसरा अगर प्योरली इमेजिनरी होगा, मान लो 5 आयटा है, ठीक है, कॉन्जुगेट वहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालोगे -5 आयटा और माइनस साइन लगाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो इक्वल आ जाएंगे दोनों, ठीक
ठीक है, यानी इसमें डायगनल एंट्री क्या होंगी, या तो प्योरली इमेजिनरी होंगी या फिर जीरो होंगी, किसमें, स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स में। ठीक है, इसमें क्या रहेंगे अपने पास, ए आई आई इक्वल्स टू ए आई आई का बार, ये कब पॉसिबल अपने पास, सिर्फ जीरो के केस में। ठीक है, क्यों, या टू और अपने पास टू, हाँ ठीक है, माइनस में भी यहाँ पे भी पॉसिबल है, तो ये अपने पास रियल में। तो इसकी जो डायगनल एंट्रीज होंगी, डायगनल एंट्रीज आर रियल, ठीक है, इसमें डायगनल एंट्री क्या होंगी, रियल, और इसमें प्योरली इमेजिनरी और जीरो, इसकी बात कर रहे हैं डायगनल एंट्रीज की। ठीक है, बाकी तो सेम वही प्रोसेस रहेगा अपने पास, कुछ इस टाइप की रहेंगी मैट्रिक्स, जैसे टू ले लिया, 5 प्लस 2 आयोटा, ठीक है, यहाँ पे इसका क्या आएगा, कॉन्जुगेट आएगा, तो 5 प्लस 2 आयोटा का क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 आयोटा, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या बताया था, रियल नंबर ही आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है, रियल नंबर ही आएगा। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, हार्मिशन मैट्रिक्स। अब जैसे करके देख लेते हैं हम, इसका ट्रांसपोज करो इसका, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 और ये 5 प्लस 2 आयोटा, और ये हो जाएगा 5 माइनस 2 आयोटा -5, ठीक है, इसी का ये अपने पास कॉन्जुगेट है एक तरह से, तो वैसे तो ट्रांसपोज की तो इसमें ज़रूरत ही नहीं है, यहीं से पता चल जाएगा कि ये जो एलिमेंट है इसका अपने पास कॉन्जुगेट आ रहा है। ठीक है, कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, जैसे यहाँ पे अपने पास रहता है ये 2 प्लस 3 आयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट होता है 2 माइनस 3 आयोटा, इस तरह से रहता है अपने पास। नेगेटिव में दूसरा जो रहेगा, नेगेटिव यानी स्क्यू हार्मिशन जो मैट्रिक्स रहेगी, इसमें एक तो डायगनल एंट्री का ध्यान रखना है, या तो जीरो होगी या फिर प्योरली इमेजिनरी होगी, इस टाइप से, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी, यहाँ पे रियल पार्ट नहीं रहेगा मतलब। और सेकंड, ये जैसे 2 प्लस 3 आयोटा अपन ने ले लिया, 2 प्लस 3 आयोटा अपन ने ले लिया, तो इसका यहाँ पे कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या जाएगा, 2 माइनस 3 आयोटा, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस साइन के साथ, ठीक है, तो ये माइनस ये प्लस, इस टाइप से। तो ऐसे अपने पास क्या रहेंगे, इसमें एंट्रीज रहेंगी किसमें, स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स में, स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स में। इससे रिलेटेड जब क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से वहाँ से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। तो ये मैट्रिक्स थे अपने पास, कुछ एलिमेंट बेस्ड मैट्रिक्स, किस किस जिनको एलिमेंट के हिसाब से हम पहचानते हैं, कि उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम उनका जो है क्लासिफिकेशन हम करते हैं, वो जो मैट्रिक्स थी वो थी यहाँ पे। अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे ऑपरेशन बेस्ड मैट्रिक्स, अलग अलग ऑपरेशन हम उस पर निकाल लगाते हैं, तो वहाँ से अपने पास अलग अलग जो है मैट्रिक्स आती है। ऑपरेशन बेस्ड मैट्रिक्स, ठीक है, इसमें एक जैसे है अपने पास निलपोटेंट मैट्रिक्स, तो निलपोटेंट यहाँ पे नाम से पता चल रहा है, नील हो जाना यानी कि जीरो हो जाए, तो ए के इक्वल्स टू जीरो, ये अपने पास निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाती है। के यहाँ पे इसका जो है इंडेक्स कहलाता है, ठीक है, वेयर के इज कॉल्ड इंडेक्स, ठीक है, किस टाइप से, जैसे ये मैट्रिक्स ले लेते हैं 0 2 0 0, इस टाइप से इसको जैसे पावर बढ़ाते हैं, वापस 0 2 0 0 से मल्टीप्लाई करो, पावर 2 कर लेते हैं, क्या आएगा, ये 0 0 0 0 ये हो जाएगा अपने पास, ठीक है, यानी ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। तो ये जो ए मैट्रिक्स होगी, अगर मैं इसको ए मैट्रिक्स नाम दे दूँ, तो ये जो ए मैट्रिक्स होगी ये कैसी मैट्रिक्स होगी, निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी ऑफ इंडेक्स 2, ठीक है, ऑफ इंडेक्स 2, ऐसे इंडेक्स अलग अलग आ सकता है, 3 कोई हो सकता है 3 पे जाकर 0 बन रही हो, कोई हो सकता है 4 पर जाकर 0 बन रही हो, इस टाइप से अलग अलग जो अपने पास मैट्रिक्स हो सकती है। ऐसे एक होती है आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इसमें क्या रहता है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, ठीक है, किसी मैट्रिक्स का हम क्या कर रहे हैं, स्क्वेयर कर रहे हैं, और वापस अपने पास क्या आ रही है, वही मैट्रिक्स आ रही है, इनवोल्यूंटरी
स्पेलिंग क्या आएगी भाई, देख लेना एक बार, नल एंट्री मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, पावर बढ़ाने पे अपने पास क्या जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, ए स्क्वेयर क्या जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आपको पता ही होगा, ये 1 0 0 1, 2 क्रॉस 2 की अगर हम बात करूँ, 3 क्रॉस 3 में 1 0 0, यानी डायगोनल एंट्री तो क्या रहती है, 1 रहती है। ये स्केलर मैट्रिक्स का एक आगे पार्ट हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट तो ये डायगोनल है, देखो डायगोनल एंट्री है, सेकंड स्केलर है, सेम नंबर है, थर्ड इसमें एक चीज़ उधर हो जाती है कि सेम नंबर तो है ही, पर वो क्या है, 1 है यहाँ पे। ऐसी मैट्रिक्स को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो स्केलर का ही थोड़ा सा बड़ा हुआ एक तरह से पार्ट अपने पास हो जाता है। इसी में एक है अपने पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तो ए ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, या फिर ए ट्रांसपोज इनटू ए, इस टाइप की जो मैट्रिक्स होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। कोस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा और ये कोस थीटा। ठीक है, इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं, ट्रांसपोज क्या आएगा अपने पास, कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा, और ये सेकंड रो को क्या बना देंगे, सेकंड कॉलम बना देंगे। मल्टीप्लाई करो क्या आता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 कोस माइनस कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा, 0, और ये हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस, ये भी 0। ठीक है, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 1। कैसी मैट्रिक्स आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करने पर, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अपने पास क्या आ रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, और देखते हैं इसमें, इसमें एक होती है अपने पास यूनिटरी मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, उससे अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे अपने पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। ऐसी मैट्रिक्स को अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, यूनिटरी मैट्रिक्स अपने पास बोलेंगे। अब आती है कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर निकालना आपने सीखा होगा। इसमें क्या करते हैं, जैसे aij कोई एलिमेंट है, उसका अपने को क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, जो ith रो है उसको एंड jth कॉलम, उसको क्या कर देते हैं, एक तरह से डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं, और उसको छोड़कर जो एलिमेंट बचे अपने पास, ठीक है, bij, उसका क्या करते हैं अपन, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। यानी ये bij जो बाकी जो एलिमेंट बचेंगे वो किस टाइप की, ये n क्रॉस n की है मान लो अपने पास, ठीक है, ए मैट्रिक्स, तो ये अपने पास कैसे बचेंगे, n माइनस 1 क्रॉस n माइनस 1, ये अपने पास एलिमेंट बच जाएंगे। इसको अपन क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे एज ए कोफैक्टर ऑफ aij। ठीक है, aij का कोफैक्टर कब और कैसे करेंगे, माइनस 1 की पावर i प्लस j, ये जो i प्लस j था वो, इनटू डिटरमिनेंट ऑफ दिस bij। ठीक है, ये अपने पास कोफैक्टर की तरह यहाँ पे क्या रहेगा, डिफाइन रहेगा, और इसको डिनोट कैसे करेंगे, कैपिटल aij से। ठीक है, कैपिटल aij जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, 2 3 4 इस टाइप से। मान लो अपने को इस एलिमेंट का क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको और इसको तो छोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है, 1 2 0 1, इसका क्या निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट क्या जाएगा, 1 माइनस 0 तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट आ गया, माइनस 1 की पावर आई प्लस जे, ये एलिमेंट कौन सा था, 1 2, ठीक है, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, तो 1 प्लस 2 यानी माइनस ही रहेगा, माइनस 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1, तो ये आएगा अपने पास कोफैक्टर ऑफ 1 2, और वो क्या आएगा अपने पास, माइनस 1। इस टाइप से अपन क्या निकालते हैं, इसमें कोफैक्टर अपन निकालते हैं। इसी से रिलेटेड है अपने पास एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है, एडजॉइंट मैट्रिक्स
हमने अभी अभी क्या निकाला, कोफैक्टर निकाला। अब अगर ये स्केयर मैट्रिक्स है, ठीक है, ए कोई स्केयर मैट्रिक्स है एन, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा इनका ट्रांसपोज। कोफैक्टर्स लिख देंगे, यानी ए वन वन का कोफैक्टर निकाल लेंगे, ए वन टू का, ए वन थ्री का, इन सब का कोफैक्टर निकालेंगे, और उसका क्या कर देंगे हम यहाँ पे ट्रांसपोज जो है कर देंगे, वो क्या कहलाएगा अपने पास, एडजॉइंट ऑफ या एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अब इसके अलग अलग कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कई बार डायरेक्ट भी पूछ लेता है या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, वो भी देख लेते हैं एक बार। समीशन आई इक्वल्स टू वन टू एन, ठीक है, और समीशन आई इक्वल्स टू वन टू एन ए जे आई ए जे, इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, अब ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, जैसे ए वन वन, ए वन वन इस टाइप से अगर मैं एलिमेंट लूँ, ए टू वन और एडजॉइंट ऑफ टू वन, ये कैपिटल ए किसके लिए डिनोट कर रहे हैं हम, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए, ठीक है। सिमिलरली इसमें क्या रहेगा, ए वन वन, ए वन वन, ए वन टू, ए वन टू एंड सो, ठीक है, ये अपने पास आगे चला जाएगा, ए एन वन, ए एन वन। तो ये आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल। तो डायरेक्ट यहाँ से अपने पास कोई ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है इस टाइप से, ये हो जाएगा वन एन और डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन एन, ये क्या आएगा, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ वन एन जो एलिमेंट होगा, यानी फर्स्ट रो का एनथ एलिमेंट, ठीक है, फर्स्ट रो एनथ कॉलम का जो एलिमेंट होगा उसका यहाँ पे अपने पास क्या है, कोफैक्टर लिया हुआ है, उसकी यहाँ पे जो है बात कर रहे हैं, ए जे आई ए आई समीशन, ये एलिमेंट अपने पास हो जाएगा जीरो, ठीक है, ये एलिमेंट जीरो हो जाएगा। और इसमें और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज हैं, किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी। यहाँ से जैसे अपने को इनवर्स निकालना है तो ये डिटर्मिनेंट एक तो नॉन जीरो होना चाहिए इनवर्स के लिए, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, इनवर्स के लिए। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करवा दो, ए इनवर्स ये तो आइडेंटिटी बन जाएगा, ए इनवर्स इधर रह जाएगा, इसको एक तरह से इधर लेके आने का मतलब इनवर्स से, तो वन डिटर्मिनेंट का इनवर्स यहाँ पे ये हो जाएगा, लेकिन ये क्या होना चाहिए अपने पास, नॉन जीरो। उस केस में ये क्या है, पॉसिबल है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा ए की पावर एन, ठीक है, ये अलग अलग अपने पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसमें। एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए ये हो जाएगा ए की पावर एन माइनस वन, ठीक है, इन दोनों में फर्क क्या है, ये देखो यहाँ पे एक ए एक्स्ट्रा था इस वजह से, यहाँ पे सिर्फ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालने तो ए की पावर एन माइनस वन हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अगर जीरो है, ठीक है, तो डिटरमिनेंट भी क्या होगा, जीरो होगा, ये यहाँ से हम कह सकते हैं, ठीक है, एडजॉइंट अगर इस केस में इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन आती है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, इससे ज़्यादा एक और जैसे एक दो प्रॉपर्टीज हो रहे हैं इसमें अपने पास ही आ जाती है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट एडजॉइंट ऐसे अपने पास आ जाए आर टाइम्स, ठीक है, ये आ जाते हैं अपने पास आर टाइम। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए की पावर एन माइनस वन ये जो यहाँ पे था इसकी पावर क्या हो जाएगी अपने पास, आर हो जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर एन माइनस वन, ठीक है, और इसकी जो पावर क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इसमें जो अपने पास कंप्लीट यहाँ पे क्या रहेगा, इस मैट्रिक्स की टोटल प्रॉपर्टीज वगैरह जो हमने कर लिए। अब इसमें हम क्या करेंगे,
क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। रैंक के बारे में हमने पढ़ ही लिया था, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है, नंबर ऑफ पाइवेट के इक्वल हो सकती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो हो सकती है, या नंबर ऑफ एल आई कॉलम हो सकती है, नंबर ऑफ एल आई रो भी हो सकती है, ठीक है। और वो पाइवेट और नॉन जीरो रो किस में देखेंगे, एकलन फॉर्म में हम वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे, ए मैट्रिक्स की रैंक और एडजॉइंट की रैंक के बारे में यहाँ पे, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू एन, या रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू एन माइनस वन, ठीक है। जस्ट एक कम, रैंक ऑफ ए लेस देन एन माइनस वन, या तो एन हो या फिर एन माइनस वन हो, या फिर एन माइनस वन से भी क्या हो अपने पास लेस देन हो, तो उस केस में रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ये हो जाएगी एन हो जाएगी अपने पास, और ये हो जाएगी वन या फिर जीरो, एडजॉइंट ऑफ ए, रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। क्या मतलब हुआ, जब ए मैट्रिक्स की रैंक एन होगी उस केस में एडजॉइंट की रैंक भी क्या रहेगी अपने पास, एन रहेगी, यानी कि फुल रैंक मैट्रिक्स, यहाँ पे एन क्रॉस एन की बात कर रहे हैं, फुल रैंक रहेगी। अगर ए मैट्रिक्स की रैंक एक कम होकर आ रही है एन माइनस वन, उस केस में एडजॉइंट की रैंक वन होगी, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा कम हो रही है, एन माइनस वन से भी कम आ रही है, तो फिर डिटर्मिनेंट जो अपने पास एडजॉइंट ए जो मैट्रिक्स होगी उसकी रैंक क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें रिलेटेड क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, लेट ए बी स्केयर मैट्रिक्स, ठीक है, ए अपने पास कोई स्केयर सिंगुलर मैट्रिक्स दी हुई है, स्केयर सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 20, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 20, देन रैंक ऑफ एडजॉइंट ए विल बी, ठीक है, रैंक ऑफ एडजॉइंट ए अपने से पूछ ली। तो अब ए क्या है अपने पास, सिंगुलर मैट्रिक्स है, ए इज सिंगुलर, तो सिंगुलर का कल ही बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि डिटरमिनेंट क्या आएगा अपने पास, जीरो आएगा। डिटरमिनेंट जीरो आता है तो रैंक क्या होती है, कम होकर आती है, ठीक है। ये तो सीखा था हमने कि रैंक जब कम होकर आएगी उस केस में डिटरमिनेंट जीरो होगा और मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो रैंक क्या होगी, 20 से कम होकर आएगी। अब कितनी हो सकती है, 19 हो सकती है, 18 हो सकती है, या और कम होकर आ सकती है, ठीक है। अभी अभी हमने पढ़ा था जब रैंक फुल रैंक होती है उस केस में एन आता है एडजॉइंट की रैंक, ठीक है, एक कम होकर आती है उस केस में एडजॉइंट की रैंक वन आती है, और जब उससे भी कम होकर आती है तो फिर क्या आएगी अपने पास, जीरो आएगी, यानी एडजॉइंट की रैंक, उसके लिए अपने पास क्या पॉसिबिलिटी, या तो जीरो या फिर वन, जीरो और वन, ठीक है। अगर ए मैट्रिक्स की रैंक 19-19 हुई उस केस में तो वन हो जाएगी, अगर उससे भी कम हुई तो फिर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें कोई और जैसे क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, हम बाकी के जो क्वेश्चंस हैं इसमें और भी कुछ क्वेश्चन है तो सेकेंड एक और लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा अपने पास शायद, मैट्रिक्स वाला जो कम टॉपिक है उसके बाद हम देखेंगे आगे जो कैसे क्या रेस्पॉन्स रहता है उसके अकॉर्डिंग अपने पास वेक्टर स्पेस या वो जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, कौन सा टॉपिक, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो और भी अपने जो दोस्त हैं जो नेट गेट या जैम की तैयारी कर रहे हैं उनको आप जो है क्या कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।